तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया हूँ, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको स्किप किया तो आपको जो भी इसमें मैंने जो भी आपको समझाया है इस वीडियो में, वो आपको समझ में नहीं आएगा और कहीं ना कहीं आपके आपके माइंड में कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो इसको मेरी आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और बल्कि अपने जितने भी आपके कलीग्स हैं जिनको आपको आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, तो आप ये इसको शेयर भी करें, तो उससे क्या होगा, आपको तो नॉलेज मिलेगी मिलेगी, उनको भी नॉलेज मिलेगी। चलिए फिर ये वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर पे है। सीटीपीटी किस में आता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर पे। तो बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जिससे हमें क्या है मेजरमेंट्स मिलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। अगर हमें कहीं हमें जैसे हम अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम बोलते हैं कि यार कि हमारा एम्पियर पता नहीं चल पा रहा हमें, वॉट वोल्टेज, तो ये सब चीज़ें अगर हमें मेजरमेंट सही है तो फिर वहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ती है, सीटी की और पीटी की भी जरूरत पड़ती है हम लोगों को, है ना। तो वो हम लोगों को जो है किस जगह पे लगाना चाहिए और रोल क्या है, तो वो सब चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जैसे कि मैंने बोला कि आपको मेजर करने के लिए लगाया जाता है, मेजरमेंट्स के लिए, मेजरमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप से होते हैं, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो इसमें जो पहला टाइप होता है वो होता है सीटी, जिसको हम बोलते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर, और सेकंड आता है आपका पीटी, जिसको आप बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। कई लोग पीटी को बोलते हैं वीटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीटी को वीटी भी बोल सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर जो है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर भी सेम ही चीज है। अगर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोले या हम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर बोले, सेम थिंग है। अब बात करते हैं कि आपको उसको मिनिमाइज वैल्यू में उसको शो करना है अपने किसी भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक मीटर आता है MFM, हम जिसको बोलते हैं मल्टी फंक्शनल मीटर, ठीक है ना। तो ये होता है मल्टी फंक्शन मीटर MFM। तो हम क्या करते हैं कि हम जब जब जहाँ पे हमें लोड वगैरह चाहिए होता है, तो मतलब चाहिए होता है कि कितना एम्पीयर हमारा लोड चल रहा है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई अपना प्रॉपर्टी कनेक्टेड लोड निकालो, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर देते हैं अपने रूम्स वगैरह की, तो उससे उनको क्या है कनेक्टेड लोड मिल जाता है, और वो लोड किस में डालते हैं, लेकिन डीसी में डालते हैं, क्योंकि उनके पास हमारा जो MFM है ये नहीं लगा होता है। तो हम लोग MFM क्यों लगाते हैं, इसका रीजन है कि हमने MFM क्यों लगाया है। तो हमने MFM इसलिए लगाया है क्योंकि हमें अपनी रेटिंग इसी है कि भाई कितना लोड चल रहा है, कितना वोल्टेज चल रहा है, कितना हमारा एंपियर लोड चल रहा है अभी। तो इसमें हमें फायदा कहाँ होने वाला है, इसमें फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे थ्री फेस लाइन है, और वो थ्री फेस लाइन क्या हो रहा है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि भाई हमारा कोई मतलब हमें प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पा रही है, और हमें ये मतलब एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है, कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रही है या क्या प्रॉब्लम है कि कोई हमारे सिस्टम में रनिंग होने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब ये हमारा MFM मीटर लगा होता है, तो MFM मीटर से हमें ये पता चलता है कि हमारी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी करंट वगैरह हर चीज का पता चलता है, वोल्टेज का पता चलता है। तो इसी वजह से हम लोग जो है आराम से इन चीजों को पकड़ पाते हैं। तो इसलिए हमारा जो है MFM होना बहुत जरूरी है, कहीं भी अगर हम काम कर रहे हैं कहीं भी, तो हमारा MFM होना बहुत जरूरी है, ठीक है। करंट सीटी की बात करते हैं, तो सीटी का जो डायग्राम है, सीटी का जो अगर आप सिंबल से शो करेंगे, तो आप सिंबल से ये शो करेंगे, तो ये होगा आपका सीटी। ऐसी सेम अगर पीटी की बात करें, ये है आपका पीटी, ये है आपका प्राइमरी वाइंडिंग है ये आपकी, सेम इधर से ये प्राइमरी,
और ये सेकेंडरी, इसमें से प्राइमरी ये हो गया आपका सेकेंडरी, और ये आपका लग गया यहाँ पे वोल्टमीटर, ठीक है, ये आपका लग गया यहाँ पे वोल्टमीटर, और यहाँ पे लग गया आपका एमीटर। तो ये आपका हो गया सीटी और ये आपका हो गया पीटी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप सीटी का यूज नहीं करेंगे, जैसे एमएफएम में करेंगे, तो अब क्या होता है कि जैसे लिखा हुआ मल्टी फंक्शन मीटर, जैसे लिखा हुआ मल्टी फंक्शन मीटर, तो यहाँ पे क्या है, हर चीज पहले हमने डाल दी गई है, हर चीज यहाँ पे डाल दिया गया है, डेटा डाल दिया गया है। जैसे आप सीटी यूज करेंगे तो आपको हर चीजें दे देगा। ऐसे सेम केस में कई बार क्या होता है कि जैसे आपके मोटर्स के स्टार्टर्स होते हैं, तो मोटर्स के स्टार्टर में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा एमीटर लगा है, ए फॉर एमीटर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए फॉर एमीटर और बी फॉर वोल्टमीटर। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों का कई बार क्या होता है कि हमारे स्टार्टर्स हम क्या करते हैं कि स्टार्टर यूज कर रहे होते हैं, तो उस स्टार्टर में कई बार क्या होता है कि जैसे एक तो हमारे ड्यूल स्टार्टर होते हैं, नॉर्मल स्टार्टर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एमीटर का एमीटर में सोनी हो रहा होता है, एमीटर होता नहीं है और हमारा वोल्टमीटर भी नहीं होता है। तो जब ना एमीटर है ना वोल्टमीटर है, तो वो आखिर आपको एम्पीयर कैसे दिखाएगा, आपको वोल्टेज कैसे दिखाएगा, क्या वोल्टेज चल रहा है, क्या एम्पीयर चल रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, एमीटर और वोल्टेज हम यूज करते हैं कि हमें जो है ये पता चले कि क्या क्या लोड अभी चल रहा है, मोटर कितना, फॉर एग्जाम्पल की मोटर जो है हमारी कितना लोड उठा रही है, और अगर हमारा वोल्टेज कोई ड्रॉप हो रहा है तो कितना हो रहा है, और प्रॉपर वोल्टेज कितनी हमारी आ रही है। तो ठीक है, वो तो ठीक है कि सीटी पीटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन बात आती है कि सीटी का कई लोग बोलते हैं कि सीटी जो है डिवाइड बाई 5 में डिवाइड बाई 1 में आती है। तो कई लोगों ने बहुत मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं इसके रिगार्डिंग कि भाई अगर डिवाइड बाई 5 है या डिवाइड बाई 1 है तो इसका मतलब क्या होता है। कई बार इनके मीटर्स में लिखा होता है, मेरे यहाँ भी कई जगह मीटर्स में लिखा था, जैसे कि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, आप लोगों को पता है, तो हमारे यहाँ भी कई बार मीटर्स में लिखा होता था डिवाइड बाई 5 है, डिवाइड बाई 1 है, ठीक है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वैल्यू क्या लेनी है, लेकिन जिसको नहीं पता तो उसको मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है कि 5/5 में 1/1 में। तो इसमें अगर कहीं आपको ऐसी वैल्यूज मिलती है तो अब आप कंफ्यूज मत होना, ये हमारी सबसे वैल्यूज होती है। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लाई फैक्टर और सिटी रेशियो। मल्टीप्लाई फैक्टर और सिटी रेशियो सेम चीज है, यानी कि जैसे कि आप लोग क्या करते हो कि जब किसी आप प्रॉपर्टी में होते हो, किसी भी उसमें होते हो, तो आप लोग क्या करते हो, पहले रीडिंग लेते हो, स्टार्टिंग आपके जो स्टार्टिंग होती है, क्योंकि हम रिपोर्ट्स वगैरह से स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले हम रीडिंग्स लेते हैं। तो हम रीडिंग लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर से, मल्टीप्लाई फैक्टर बोलो, सिटी रेशियो बोलो, उसको हम क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें तो दो केस है, या तो आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एस टी रेशियो है, एस टी और जो हमारा एस टी एल टी का रेशियो, उसको हम डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रीडिंग होगी उस दिन की, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। या सेकंड केस क्या होता है कि आप अगर आप पर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आपके पास एक सॉल्यूशन और है कि जो आपका जो पुराना बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप उससे पता कर सकते हैं कि आपका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है। उसमें क्लियर लिखा होता है एम डॉट एफ, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि आपका एम डॉट एफ क्या है। अगर आपको वहां पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर आप अपने जो वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, आप वहां पे अपने जेई वगैरह से मिल सकते हैं, या आपको कोई जो लाइनमैन है आप उससे कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया सीटी, लेकिन अब बात करते हैं कि ये 5a/1a में ही क्यों आती है, क्या रीजन है इसका। सिंपल सा रीजन है, इन्होंने क्या है, एक स्टैंडर्ड बनाया है कि हम सीटी हम दो वैल्यूज में देंगे, 5 और 1, वरना हर भी क्या कर लेता, कोई 2 में बना लेता, कोई 3 में बना लेता, कोई 5 में बना लेता, कोई 6 में बना लेता, कोई 7 में बना लेता, कोई 8 में बना लेता, है ना। इसलिए इन लोगों ने क्या किया,
इन्होंने जो स्टैंडर्ड दिया वो दिया डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 1 है। तो जो 10 मीटर से अगर बात करते हैं कि 5 वाली कहाँ यूज होगी, 1 वाली कहाँ यूज होगी, तो अगर हम 10 मीटर की बात कर रहे हैं, 10 मीटर डिस्टेंस की, सोर्स से लेके सिटी को सोर्स से लेके जहाँ तक हमें लगाना है, तो अगर मुझे मल्टीफंक्शन मीटर को हमें कहीं लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीफंक्शन मीटर मुझे 5 फुट दूर लगाना है और जहाँ से मुझे सिटी उठानी है वो 5 फुट उसे दूर है, 5 मीटर दूर है, तो यानी कि कौन सी लगेगी, 5 की लगेगी। जो हमारा मीटर और जहां से हमने सिटी उठानी है वो जो डिस्टेंस है, अगर 10 मीटर से अंडर है तो फिर 5 की लगेगी, अगर 10 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है तो फिर 1 वाली लगेगी। तो ये हमें जरूर ध्यान देना है कि डिस्टेंस 10 मीटर है या 10 मीटर से ऊपर है, अगर 10 मीटर से नीचे होगी तो 5 लगेगी, 10 मीटर से ऊपर है तो 1 लगेगी। अब बात करते हैं पीटी की। पीटी जैसे कि मैंने बताया था पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है और ये हमेशा आता है डिवाइड बाई 110 वोल्ट में। ये भी एक स्टैंडर्ड है, उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जब भी हमारे लिए पीटी होगी 110 वोल्ट डिवाइड बाई 110 वोल्ट में ही आएगी। उसके बाद उसके आगे हो सकता है 440 हो, 220 हो, 230 हो, 500 हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका जो स्लैश में रहेगा वो कितना रहेगा, 110 वोल्ट रहेगा, वो एज पर लोड रहेगा। यहाँ पे जो वैल्यू चेंज होगी वो एज पर लोड होगी, यहाँ पर भी सेम, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सोच रहे हो कि भाई सीटी मुझे कितने की लगानी है, मुझे क्या पता, तो भाई जितना आपका लोड होता है पहले आप लोड कैलकुलेट करोगे, आपका कनेक्टेड लोड कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर जो है उतने एम्पीयर की आप सिटी लेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कंफर्टर का लोड 200 है, 200 एम्पीयर मेरा लोड है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 200 की लगा लूंगा या 200 से थोड़ा सा ऊपर की लगा लूंगा, लेकिन 200 से नीचे की नहीं लगाऊंगा, 200 एम्पीयर के नीचे मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा लोड ही 200 एम्पीयर है, तो क्योंकि इन फ्यूचर मेरा लोड बढ़ सकता है घटेगा तो है नहीं, तो इसमें मैं 200 से ऊपर वाली ही सिटी लगाऊंगा। तो 200 के ऊपर वाली जो भी सिटी होगी, हमारे कोई भी जो वेंडर होते हैं ये एलटी पैनल वगैरह के, तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को कि भाई मेरा लोड 200 एम्पीयर, तो वो आपको बता देगा, अगर उस पर 200 एम्पीयर का कोई सिटी नहीं है उससे ऊपर का है तो आप उससे ऊपर का ही लगवाना, बल्कि मैं तो बोला सेम का ही मत लगवाओ, उससे ऊपर का लगवाओ, क्योंकि अगर हाँ या तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हमारा लोड फिक्स रहेगा कभी बढ़ेगा नहीं, तो ये है इसका। अब आगे बात करते हैं कि पीटी का भी सिलेक्शन सेम सिटी का, तो मैंने आपको बता दें इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए, कई बार क्या होता है कि कई जगह दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके दो डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल आपके अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ब्रेकर आपका ये रहा और एक ब्रेकर ये रहा, और आपका लोड है फॉर एग्जांपल 300 एम्पीयर का आपका लोड है और ये जा रहा है और एक ये लोड ये जा रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई 300 एम्पीयर है तो ज्यादा तो घूम नहीं सकता, तो आप यहाँ पे 200 एम्पीयर की सिटी लगा सकते हैं फॉर सेफ्टी रीजंस, है ना। यहाँ पे आपको इस तरह से लोड लगा सकते हैं, 200 एम्पीयर की सिटी यहाँ लगा दी, 200 एम्पीयर की सिटी यहाँ पे लगा दी, क्योंकि कई जगह होता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह से होता है। तो ये पूरा डिटेल वीडियो था सिटी और पीटी के ऊपर। आगे अगर आपको कहीं इस चीज में कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर सकता हूँ उसमें, जो भी आपको लगता है कि उसमें कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैंने तो अपने अकॉर्डिंग सारा वीडियो आपको बता दिया है, लेकिन हो सकता है फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, है ना। तो आपको अगर कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जरूर उसमें डिटेल में जो भी है बता दूंगा, जो भी आपको कंफ्यूजन होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल, अगर आपने मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो मैं ये चाहूँगा आप लोग इससे क्या समझ में क्या आया है आप जरूर इसमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि नॉलेजेबल है, इसमें कुछ नॉलेज थी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें कि उनको भी कुछ नॉलेज मिले। थैंक यू।